हेलो राम राम सा कुकुर आज मैं सब चैनल में सारी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। आज आप घिया का कोफ्ता की सब्जी बनाऊंगा। तो घिया अपनी बाड़ी से काची काची घिया लेके आए हैं, तो आप बागा कोफ्ता बना से। हेलो आज आप बना सा घिया का कोफ्ता की सब्जी। तो भी गली आप घिया ले ली है, प्याज ले लिया ही, हरी मिर्च ले लियो, टमाटर ले लियो है। अब आने साफ करके और बोट के फिर सब्जी बनाऊंगा। तो आप घिया का कोफ्ता के लिए आप घिया ने धो के और घिया ने कस ली और फिर कस के आप निचोड़ दी, वो पानी निकाल दियो। ताजा घिया के अंदर पानी बहुत ज्यादा हुआ है, बोल रहा हूँ के अंदर इतना पानी को नहीं हुआ, लेकिन बड़ी की घिया ला ताजा भी पानी हुआ ज्यादा। तो आप घिया ने छोड़ के और घिया ने कस के निचोड़ के ले ली। भी कर लियो बेसन लियो है, यो मसालो लियो, खड़ो मसालो लियो, एक अंदर तेज पत्तो, धनियो, जीरो, लूंग, काली मिर्च, इलायची और अजवाइन और जायफल। जायफल गेरना बहुत जरूरी हो, जायफल अजवाइन गेरना बेसन की चीज में कदी नहीं भूलना चाहिए कि कोई का गैस को निकले। ये आप मिर्च मसालो लियो है, यो आप अमचूर पाउडर गर्म मसालो लियो है, ये टमाटर ने आप पीस लिया ही, तो टमाटर पीस के ले लिया। ये आप प्याज ले लिया, प्याज ने भी पीस लिया। ये कुछ हरी मिर्च प्याज आप तड़के के लिए रख लिया ही। तो आप अंदर तेल चढ़ा दियो है। पहले तो आप कोफ्ता बनाऊंगा। कोफ्ता के लिए आप एक अंदर यू बेसन डालना, जो बेसन डालना बेसन आपकी जरूरत के हिसाब से डालना। अब आप एक अंदर अजवाइन डालना। अजवाइन के बिना गैस बोलो एक बार हम बताइए, अजवाइन जरूर डालनी चाहिए बेसन के अंदर। तो यहाँ पर अजवाइन डाल ली के अंदर। अब इनके अंदर थोड़ा सा नहीं मसालो डाल लगा, ये तो फिक्का रह जाएगा कोफ्ता। थोड़ी सी मिर्ची डाल लगा, नमक, अब मिर्च मसाला के अंदर भी डाल लगा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लगा और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल लगा। अब आपने बोल उड़ी उड़ी बोल बना लगा, और ये बोल आप तेल के अंदर छोड़ दूंगा सारी बोल। तो ये सारी बोल आप तेल के अंदर छोड़ दूंगा, अच्छा से पका लूंगा। अगर आपने गिल्लो ज्यादा ना जाए, बोल नहीं बन रही हमें, और गिल्लो ज्यादा ना जाए तो आप इन्हें थोड़ा बेसन और मिला सको। ताजा घिया है और इनके अंदर पानी ज्यादा है और कोफ्ता की सब्जी बहुत ज्यादा बढ़िया बने। तो इन रूट के मायने घिया बहुत ज्यादा बढ़िया घिया नहीं है। मैं तो हमारी घिया बाड़ी से लेके आया हा और आप इन्हें अपना कोफ्ता बन गया ही। ये देखो बन के तैयार हो गए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया करारा करारा बने। अगर आप इन्हें चाय का साग, हरी चटनी का साग, इमली की चटनी साग, टमाटर सॉस साग खाना चाहो तो ये यही बहुत बढ़िया लगे, आप खा सको हो। और आप कोफ्ता की सब्जी बहुत ज्यादा बढ़िया बने। तो आप सारा कोफ्ता यही तैयार कर लेना पूरा। अब आप साइज आपके हिसाब दे दो, छोटी बड़ी साइज। तो आप सारा कोफ्ता यही बना लेना। अपना कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। सारा कोफ्ता बहुत ही बढ़िया बना ही। देखो एक ही कोफ तो फेंट रही हो कोनी। जब आप बेसन बासन पूरा बराबर डालना है तो अपना कोफ्ता बहुत ज़्यादा सुंदर बने और ये सब्जी के अंदर भी कोनी खिले। अब हम अंदर अपना खड़ो मसालो लियो हो, ये खड़ो मसालो के अंदर डाल दा। अब जो है थोड़ा प्याज और हरी मिर्ची अब ये एक अंदर डाल दा। आप अपना वीडियो बना लो, छोट वीडियो भी बनाओ, बड़ा भी बनाओ, आपका लाइक सब्सक्राइब मारो, बहुत ही ज़्यादा कमाओ। वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब करो ना भी जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर किया करो, कमेंट में लिख के बताया करो मैंने कि खाने वाली सब्जी कैम की लगे है। तो आप
प्याज को पेस्ट भून लियो है। अब इधर अंदर टमाटर डाल देना है। आपने ग्रेवी बन के देखो तैयार हो गई है। मैं थाने मसालों गेटता बाकी लग भूल गया बनानी। तो आपने एक कोफ्ता में अंदर तेल ज्यादा ही पड़े, थोड़ो मिर्च मसालों भी ज्यादा ही पड़े, तेल भी ज्यादा ही पड़े, नहीं कि बेसन हो तो यह सब्जी बढ़िया कौन बने। और कोफ्ता की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। कोफ्ता ही आप ग्रेवी पकाने के बाद में इसके अंदर डालना, अगर पहले सारो मसालो पका के और ग्रेवी बना के और फिर ये कोफ्ता डालना। अब ये कोफ्ता इसके अंदर डाल दिया। बस आप कोफ्ता का ज़्यादा आप भाप को लगाओ, बस एक भाप के अंदर ये पक जाएगा, एक भाप के अंदर ये पक जाएगा। अब आप इसके अंदर यो लहसुन डाल देना, सारा लहसुन इसके अंदर डाल देना। अब यो अमचूर पाउडर में जो गरम मसालो यो डाल देना। अब यहाँ कस्तूरी मेथी है तो यह थोड़ी कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल देना। तो आप गरम गरम लौकी के कोफ्ता की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और आपने कहा कि लगेगी, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में आगे करियो। और कमेंट में लिख के माना जरूर बताइए सब्जी में खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है और मान तो बहुत बढ़िया लगे। और आप भी टेस्ट करके ज़रूर बताइए और बना ट्राई आप ज़रूर करियो हमारे बताए के अनुसार। तो आपने सब्जी है ग्रेवी की सब्जी बनाई है, बात से मायने हैं सोच ले है। और जो घिया को पानी निकालना मैं आपने बताई थोड़ी, जो घिया निचोड़ के पानी निकालना ग्रेवी में आपका गर्म करके वो ही पानी डालना, नहीं तो अगर सादा पानी डालना तो ग्रेवी को टेस्ट को नहीं आओगे। तो अगर आप इसके अंदर काजू को पेस्ट थोड़ा डालना चाहो तो वो भी डाल दो, आपके में आपने अच्छा लगे तो काजू के पेस्ट से भी सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्टी बना है। तो आपने गर्म गर्म सब्जी बल्कि कोफ्ता की सब्जी तैयार होगी। देखो आपने एक भी कोफ्ता कुटे हुए सारा का सारा कोफ्ता बहन का बहन ही सब्जी के अंदर भूलिया को नहीं। अगर आप बेसन सही मिलाओगा तो कोफ्ते आपको एक भी कोफ्ता खराब तो नहीं होगा। और आप ये सब्जी बन के हमेशा अपनी गर्म गर्म सब्जी बन के तैयार है। हेलो राम राम सा कुकू राजवैसा के चैनल में सारी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। आज आप घिया का कोफ्ता की सब्जी बनाऊंगा। तो घिया अपनी बाड़ी से काची काची घिया लेके आए हैं, तो आप बागा कोफ्ता बना से। हेलो आज आप बना सा घिया का कोफ्ता की सब्जी। तो भी गली आप घिया ले ली है, प्याज ले लिया ही, हरी मिर्च ले लियो और टमाटर ले लियो है। अब आपने साफ करके और बोट के फिर सब्जी बनाऊंगा। तो आप घिया का कोफ्ता के लिए आप घिया ने धो के और घिया ने कस ली और फिर कस के आप निचोड़ दी, वो पानी निकाल दियो। ताजा घिया के अंदर पानी बहुत ज्यादा हुआ है, बोल लिया अभी के अंदर कितना पानी को नहीं हुआ, लेकिन बड़ी की घिया ला ताजा भी पानी हुआ है ज्यादा। तो आप घिया ने छोड़ के और घिया ने कस के निचोड़ के ले ली। भी कर लियो बेसन लियो है, यो मसालो लियो खड़ो मसालो लियो, एक अंदर तेज पत्तो धनियो जीरो लूंग काली मिर्च इलायची और अजवाइन और जायफल। जायफल गेरना बहुत जरूरी हो, जायफल अजवाइन गेरना बेसन की चीज में कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई का गैस को नहीं करे। ये आप मिर्च मसालो लियो है, ये आप अमचूर पाउडर गरम मसालो लियो है, ये टमाटर ने आप पीस लिया ही तो टमाटर पीस के ले लिया, ये आप प्याज ले लिया प्याज ने भी पीस लिया, ये कुछ हरी मिर्च प्याज आप तड़के के लिए रख लिया ही। तो आप इसके अंदर तेल चढ़ा दियो है। पहले तो आप कोफ्ता बनाऊंगा, कोफ्ता के लिए आप एक अंदर यू बेसन डालना, जो बेसन डालना बेसन आपने जरूरत के हिसाब से डालना। अब आप एक अंदर अजवाइन डालना, अजवाइन के बिना गैस बोलो एक बार हम बताइए, अजवाइन जरूर डालनी चाहिए बेसन के अंदर। तो आप अजवाइन डाल ली के अंदर, थोड़ा
उसमें मैं मसालो डाल लांगा, ये तो फिक्का रह जाएगा कोफ्ता, थोड़ी सी मिर्ची डाल लांगा, नमक अब मिर्च मसाला के अंदर भी डाल लांगा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लांगा और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल लांगा। अब आप लोग बोल रोटी वोटी बोल बना लेगा और ये बोल आप तेल के अंदर छोड़ देगा सारी बोल। तो ये सारी बोल आप तेल के अंदर छोड़ देगा ना, अच्छा से पका लेगा। अगर आपने गिल्लो ज्यादा लग जाए, बोल नहीं बन रही हो मैं तो गिल्लो ज्यादा लग जाए तो आप इन्हें बाड़ी से लेके आया हा और आप इन्हें ये देखो बन के तैयार हो गई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया करारा करारा बने। अगर आप आए ना चाय का साग, हरी चटनी का साग, इमली की चटनी साग, टमाटर सॉस साग खाना चाहो तो ये यही बहुत बढ़िया लगे, आप खा सको हो और आप कोफ्ता की सब्जी बहुत ज्यादा बढ़िया बनाए। तो आप सारा कोफ्ता यही तैयार कर लेना पूरा, अब आप साइज आपके हिसाब से जो छोटी बड़ी साइज है तो आप सारा कोफ्ता यही बना लेना। अपना कोफ्ता बन के तैयार हो गया है, सारा कोफ्ता बहुत ही बढ़िया बना है। देखो एक ही कोफ तो फेंट रही हो कोनी, जब आप बेसन बासन पूरा बराबर डालना है तो अपना कोफ्ता बहुत ज़्यादा सुंदर बने और ये सब्जी के अंदर भी कोनी खिले। अब हम अंदर अपना ये खड़ा मसालो लियो हो, ये खड़ा मसालो के अंदर डालता। अब जो है थोड़ा प्याज और हरी मिर्ची अब ये एक अंदर डालता। आपने अपना वीडियो ना छोटी वीडियो बना बड़ा भी बना आपको लाइक सब्सक्राइब मारो, बहुत ही ज़्यादा कमाल वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब करो ना भी जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर किया करो, कमेंट में लिख के बताया करो मैंने कि खाने वाली सब्जी कैम की लगे है। तो आप प्याज को पेस्ट भून लियो है, अब इधर अंदर टमाटर डाल रहे हैं। अभी ना यहाँ पर पका लेना, आपने ग्रेवी बन के देखो तैयार हो गई है। मैं थाल मसालों की एक ताँ बाकी लग भूल गया बनानी, तो आपने एक कोफ्ता में अंदर तेल ज़्यादा ही पड़े, थोड़ा मिर्च मसालों भी ज़्यादा ही पड़े, तेल भी ज़्यादा ही पड़े, नहीं कि बेसन हो तो यह सब्जी बढ़िया कौन बनाए और कोफ्ता की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए है। अब यह कोफ्ता ही आप ग्रेवी पकाने के बाद में इसके अंदर डालना, अगर पहले सारो मसालों पका के और ग्रेवी बना के और फिर ये कोफ्ता डालना। अब ये कोफ्ता इसके अंदर डाल दिया, बस आप कोफ्ता का ज़्यादा आप भाप को लगाओ, बस एक भाप के अंदर ये पक जाएगा, एक भाप के अंदर ये पक जाएगा। अब आप इसके अंदर यो लहसुन डाल देगा, सारा लहसुन इसके अंदर डाल देगा। अभी अमचूर पाउडर में जो गरम मसालो यो डाल देगा। अब यहाँ कस्तूरी मेथी है तो यह थोड़ी कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल देगा। तो आप गरम गरम लौकी के कोफ्ता की सब्जी बनके तैयार हो गई है और आपने कहे कि लगेगी, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में आगे करियो और कमेंट में लिख के माने जरूर बताए सब्जी में खुशबू बोलने का बढ़िया आ रही है और मान तो बहुत बढ़िया लगे और आप भी टेस्ट करके ज़रूर बताए।
ना ट्राई आप जरूर करियो हमारे बताए के अनुसार। तो आपने सब्जी है ग्रेवी की सब्जी बनाया बात से मायने ने सोच ले है, और जो घिया को पानी निकालना मैं आपने बताई करूँ, जो घिया निचोड़ के पानी निकालना ग्रेवी में आपका गर्म करके वो ही पानी डालना, नहीं तो अगर सादा पानी डालना तो ग्रेवी को टेस्ट नहीं आओगे। तो अगर आप इसके अंदर काजू को पेस्ट थोड़ा डालना चाहो तो वो भी डाल दो आपके में आपने अच्छा लगे, तो काजू के टेस्ट से भी सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्टी बना है। तो आपने गर्म गर्म सब्जी बन के कोफ्ता की सब्जी तैयार होगी, देखो आपने एक भी कोफ्ता और ये कुट्टे में सारा का सारा कोफ्ता बहन का बहन ही सब्जी के अंदर बोलिया को भी, अगर आप बेसन सही मिलाओगा तो कोफ्ता आपको एक भी कोफ्ता खराब तो नहीं होगा। और आप ये सब्जी बन के हमेशा अपनी गर्म गर्म सब्जी बन के तैयार है।